drop it like it's hot. 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 Drop it, drop it, drop it. Pimps in the crib, ma. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की हमने थ्योरी में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल और कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस के बारे में। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, मज़ा आएगा आपको ना चीज़ें सीखने में। और ये जो चीज़ें हैं ये ता उम्र आपके साथ रहने वाली हैं और आपके स्कूल में कुछ फेवरेट क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। पूरा पूरा पुनिंदा लिखने को दे देंगे आपको कि बेटा एले पकड़ और लिखना शुरू कर दे। तो दोस्तों चलिए फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में फिर से आपको दिख रहे होंगे, ओहो आहा सेक्सी से सर आपके, ठीक है। और यहाँ से आपकी थ्योरी होती है शुरू। तो ना बेसिकली आपकी जो थ्योरी है वो स्टार्ट हो रही है ना कहाँ से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ना दोस्त मैं आपको एक ना सिंपल सी बात बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको ना प्रिंसिपल के बारे में एक छोटी सी ना चीज़ बता रहता हूँ। बेसिकली प्रिंसिपल होते क्या हैं, जो हमारे ना प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं क्या, गाइडलाइन। वो क्या होती है, गाइडलाइन होती है ना, गाइडलाइन होती है कि किसी भी ना चीज़ को कैसे चलाया जाए, उसको कैसे फॉलोअप करना है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। यानी किसी भी ना चीज़ों को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशन लगते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, ऐसी गाइडलाइंस जो आपको अकाउंटिंग कैसे करी जाए, किन परिस्थितियों में क्या क्या करना है वो आपको हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों फिर बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए अपन लोग शुरू करते हैं। इसमें से ना सबसे पहले है आपका क्या, GAAP, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये होता है GAAP। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, बेसिकली अमेरिका के CA होते हैं ये। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मे बी डिफाइंड एज दोस रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस प्रूडेंस प्रैक्टिस कस्टम्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड व्हेन दे आर प्रूव यूजफुल दे बिकम एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ना दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। बेसिकली थ्योरी है जो आपको पढ़नी है, इसका मतलब क्या होता है ना दोस्त, देखो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि कोई अगर आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और जब दूसरे गाल पे भी मारे तो क्या करना है, कुछ नहीं, पकड़ के धूं दो उसको, ठीक है। उसके आगे का तो अपने को नहीं पता ना। तो सेम वे में गांधी जी ने एक प्रिंसिपल दिया आपको, क्या दिया प्रिंसिपल, कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, यानी कि वो शांति की बात करें। सेम वे में उन्होंने एक आपको ट्रैक दिखाया। सेम वे में यहां पर क्या होता है, जो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, रोड होते हैं, और वो आपको डायरेक्शन बताते हैं, बाबू लेफ्ट बाबू राइट, सोना आगे सोना पीछे। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये ना थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप लोग प्लीज ना देखेंगे, अपना जो मेन कंसर्न आने वाला है वो है अब हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर। चलिए फिर अपन लोग करते हैं इन चीजों को शुरू। अब ये ना क्या बोलना चाहते हैं जरा ना ध्यान दीजिएगा, इट इज समथिंग डेट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, ऐसी ऐसा सत्य ने जिसको साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं लगता, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। सर्टेन एजम्पशन विच आर प्रेज्यूम टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। यानी कि जब हम अकाउंट्स बनाते तो हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं ना दोस्तों। अब तक आपने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दिया होगा, टीचर जो पढ़ा रही समझ नहीं आ रहा होगा तभी तुम ये वीडियो खोल के बैठे हो, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, जैसे कि अगर आपने लव स्टोरी हमारी नहीं देखी है कि बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, बिजनेस में कभी भी बिजनेसमैन के खर्चे नहीं आते हैं, ठीक है। हम एसिड को जब जो प्राइस में परचेस करते हैं उसी को लिखते हैं, ये सब बातें छोटी छोटी अभी हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्या, हम बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे कुछ एजम्पशंस के ऊपर। हम मतलब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ बातों को एज्यूम करके चलेंगे। क्या सबसे पहला आता है, पहला एजम्पशन गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। दोस्तों ये जो थ्योरी है ना यहाँ पे ये आपके लिए है, यानी कि एग्जाम में आपके ना मुंह में शब्द डालने के लिए कि तुम पेपर में क्या लिखोगे, तो इसको लिख के आ जाना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अपने दोस्तों गोइंग कंसर्न क्या होता है, दोस्तों जब भी आप बिजनेस में शुरू करते हो आपके मन में ऐसा तो नहीं आता कि मैं 1 जनवरी को शुरू करूंगा सन 2020 को और उसको 2 जनवरी को सन 2020 को बंद कर दूंगा, शट डाउन कर दूंगा, क्या ऐसा अपन लोग सोचते हैं, नहीं। हम जब भी बिजनेस को ना शुरू करते हैं, हम लोग ना क्या करते हैं, जब भी हम लोग बिजनेस ना शुरू करते हैं, जैसे कि
मैंने यहाँ पे 1 तारीख को बिजनेस ना चालू किया तो दोस्त मेरे को पता ही नहीं है, मैं हमेशा ना क्या करूँगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा, बहुत दूर की सोचूंगा कि मेरा बिजनेस क्या है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, मेरा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत ही थोड़े समय के लिए चलने वाला है। तो चलिए हम समझ गए कि सर बिजनेस क्या होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब जब बहुत लंबे समय तक चलेगा तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं, ना जैसे कि फ्यूचर में लॉस होगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, उसके लिए हमको प्रोविजन भी बना के रखने हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे आता है, उसके बाद अगला आता है आपका क्या, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, दिस एजम्पशन state that the accounting practices only selected and adopted once, मतलब एक ही बार करना है, should be applied consistently year after year. For example, ये है सच्चा प्यार। सर सच्चा प्यार ये क्या बोल रहे हो, मैंने बोला ना दोस्त, बहुत ना ध्यान से ना समझना इस चीज को, आपने एक बार ना क्या किया, आपने बोला कि मैं एक चॉकलेट खाता हूँ, आप बोले कि मैं खाता हूँ ऑर्बिट, ठीक है, स्पॉन्सर मैसेज ऑर्बिट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कि मैं खाता हूँ ऑर्बिट, 30 मिनट तक चबाता हूँ एक चिंगम को, 30 मिनट तक एक चिंगम को चबाता हूँ। दोस्त अब तुम जिंदगी भर इसी को फॉलो करोगे, तुम यही मेथड फॉलो करोगे, तुम इसी को ना क्या करते रहोगे, साल बाई साल फॉलो करोगे, यानी कि एक तरीका जो आपने अपना लिया उसी तरीके से आपको ना क्या करते जाना है, आगे बढ़ना है, इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी का मतलब जैसे हो वैसी रहो और एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तो यहां पर भी वही चीज ना बोला गया है कि हमको ना क्या करना है भैया, कंसिस्टेंट रहना है, हमने एक बार जो अकाउंटिंग करने का तरीका पकड़ लिया हमको बस उसी में ही आगे बढ़ना है, ठीक है सर। इससे सर मदद क्या होगी, अगर सर लाइफ तो चेंज होती रहनी चाहिए ना, तो मैंने कहा देख इधर सुन, दिस विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान ले अब तेरी पिछले साल की जो सेल थी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, आपने अकाउंटिंग का ना यूज किया कैश बेसिस, ठीक है, याद है लास्ट क्लास में कैश बेसिस बताया था, फिर आपकी फिर से सेल आई, अब आपकी सेल हो रही है 1.5 लाख रुपए, अब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एक्रूवल बेसिस को यूज कर रहे हो। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो गया, याद है सरदार अकाउंटिंग में हमारी सेल ना, हमारा प्रॉफिट ना कम आ रहा था, और वहां पर हमने जब देखा था एक्रूवल बेसिस में हमारा प्रॉफिट ना ज्यादा आ रहा था, रिमेंबर, नहीं रिमेंबर है तो अभी जाके तुरंत हमारी वीडियो देखो। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिस चेंज नहीं करना, यानी अकाउंटिंग करने का तरीका चेंज नहीं करना है, आप कैश बेसिस की अकाउंटिंग को कंपेरिजन एक्रूवल बेसिस से कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते। आप सरदार अकाउंटिंग और मारवाड़ी अकाउंटिंग से कंपेयर कर सकते हो क्या, सर कभी नहीं कर सकते। इस वजह से अगर आपने एक बार कैश अकाउंटिंग चुनी तो ऑलवेज आपको कैश अकाउंटिंग ही चुननी है, मतलब एकदम अत्यंत जरूरत ना आ जाए, जीने मरने का सवाल ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, तुमको सीए गालियां ना बकने लग जाए, तब तक अकाउंटिंग चेंज मत करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चौक टाड़ीबंद आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर ओके। फिर उसके बाद आता है एक्रूवल। अभी एक्रूवल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस एजम्पशन रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और सर्विस इज रेंडर वेदर कैश हैज बीन रियलाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर और नॉट। ना दोस्तों इस चीज के लिए एक छोटी सी शायरी याद रखना, क्या, अरे 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 क्या हो गया, ओह माय गॉड, ये खुलना रहे, हाँ इसके लिए एक ना छोटी सी ना शायरी आप ना याद रखेंगे, वो शायरी है, तू प्यार कर या ना कर मैं तो करूंगा, तू प्यार कर या मत कर मैं तो करूंगा, तू एक्सपेंस, चल अभी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, चलो तू इनकम को अर्न कर या मत कर मैं तो रिकॉर्ड कभी करूंगा, लेट्स यूज इंग्लिश, करूंगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों मेजर लाइन क्या है हमारी, तू प्यार कर या मत कर मैं तो करूंगा, ये एक आशिक है,
ये काशिक है यानी कि बिजनेस बोल रहे किससे, बिजनेसमैन से तू प्यार कर या मत कर मैं तो करूंगा, तू इनकम को अर्न कर या मत कर, यानी कि तेरे पास आए या ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूंगा उसको रिकॉर्ड करूंगा। इसी को हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस, अर्थात वो आपसे बोलना चाह रहा है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, अरे क्या खुल गया, ठीक है ये लो इसको मिटा देते हैं, ये काम करने बहुत मजा आता है। अब अपन लोग एक ना छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है हमारा छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ एग्जाम्पल है सेल्स, मान लो कि आपने सेल करी 1 लाख की, 1 लाख की ठीक है, कब करी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, लेकिन इसका पैसा आपको मिला है कब, ध्यान देना 10 जनवरी को ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा ना ध्यान से समझना, सेल कब हुई 1 जनवरी को 1 लाख की, पैसा कब मिला ना 10 जनवरी को। अब एक्रूवल कॉन्सेप्ट ना क्या बोलता है भैया, तुम सेल रिकॉर्ड कब करोगे, यानी तुम्हारा माल ना कब बिका, तुम अकाउंट्स की बुक्स में एंट्री कब करने वाले उसकी। तो मैंने कहा कि सुन उसकी एंट्री ना कब होगी, ध्यान से समझ, उसकी एंट्री होगी 1 जनवरी को। कारण क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, रिवेन्यू इज recognized when the goods आर सोल्ड और services आर render, whether cash has been realized in the same accounting year or not। यानी कि 1 तारीख को माल बिका तो मैं एंट्री भी ना कब करूंगा 1 तारीख को, पैसा मिले या ना मिले, तू प्यार कर या मत कर, मैं तो इसको उसी दिन क्या कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये था हमारा क्या ना दोस्तों, कुछ assumptions, ठीक है, going concern चलता रहेगा बिजनेस बहुत लंबे समय तक, कंसिस्टेंसी ये हमको बताता है कि हमको एक ही बार जो हमने एक बार अकाउंटिंग का तरीका पकड़ लिया वो बढ़ते रहना चाहिए। और एक्रूवल हमको ना क्या चीज बताता है कि भैया जिस दिन माल बिका, पैसा मिला हो या ना मिला हो हमको फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन बिका तो रिकॉर्ड भी करना कब होगा, 1 तारीख को ही रिकॉर्ड होगा। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी सी थी, होप्स आपको मजा आया होगा ये वाली वीडियो में, कमेंट ना जरूर करें, अच्छी लगी ना तो भी करें, बुरी लगी तो भी करें, लेकिन कमेंट जरूर करें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में, टेक केयर।